स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम प्रार्थना हो स्वीकार में। मैं हूं आपके साथ अदिति। आज हम आपको बताएंगे भगवान विष्णु के हजार नामों की महिमा। ये वो चमत्कारी नाम है जिनसे श्री हरि की कृपा आप पर बरस सकती है, क्योंकि कहा जाता है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपकी बिगड़ी बना देगा। आखिर कैसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको श्री हरि की कृपा दिला सकता है, चलिए जानते हैं। भगवान विष्णु के चमत्कारी नाम। श्री हरि के 1000 नाम बनाएंगे बिगड़े काम। परम कल्याणकारी विष्णु सहस्र नाम। जगत के पालनहार के 1000 नामों का जाप आपके जीवन की बाधाओं को दूर कर सकता है। श्रीहरि के अवतारों या फिर साक्षात श्रीहरि से कृपा पाने के लिए सबसे सरल और सटीक उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम, जिसमें वो शक्ति है जो आपको श्रीहरि की भक्ति दिला सकती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से शास्त्रों में बताया गया है कि व्यक्ति भव सागर से पार उतर जाता है। सहस्त्र नाम में भगवान नारायण के 1008 नामों का वर्णन है। इनके 1000 नामों का व्यक्ति अगर पाठ करता है, जप करता है, स्मरण करता है, तो निश्चित तौर पर भगवान नारायण की सदकृपा से सभी प्रकार की कष्टों से मुक्त होता हुआ परम गति को प्राप्त करता है। ऐसा माना जाता है कि अगर विधि विधान से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो सकता है। तो सबसे पहले कृपा निधान भगवान विष्णु के 1000 नामों की महिमा आपको समझाते हैं। प्रत्येक दिन अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो बृहस्पतिवार के दिन इसका पाठ जरूर करना चाहिए। यदि आपको किस संतान से संबंधित, भौतिक संसाधनों से संबंधित, आध्यात्मिक से संबंधित अगर किसी प्रकार के सुखों की प्राप्ति करनी है तो भगवान नारायण का यह स्रोत अचूक है। इसका पाठ करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। जानकारों की माने तो विष्णु सहस्त्र नाम का खास ग्रहों से भी संबंध है और इसके पाठ से ग्रह भी शुभ परिणाम देने लगते हैं। पहले समझिए कृपा निधान भगवान विष्णु के इस पाठ की महिमा। भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है। इनकी पूजा उपासना से जीवन का निर्वाह सहज हो जाता है। श्रीहरि की उपासना में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सबसे ज्यादा फलदायी होता है। श्रीहरि की कृपा से सारे काम आसानी से बनने लगते हैं। इसमें भगवान के सहस्त्र नामों का उल्लेख है। इसके अद्भुत श्लोक हर ग्रह और हर नक्षत्र को नियंत्रित कर सकते हैं। बृहस्पति की पीड़ा को दूर करने के लिए इसका पाठ अमोघ होता है। श्रद्धा और भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है और विष्णु सहस्त्र नाम श्री हरि की भक्ति रस में डूब जाने के लिए सबसे कारगर और उपयोगी उपाय है। एक ऐसा मंत्र जिसमें श्री हरि विष्णु के 1000 नामों का मेल है। ज्योतिषी मानते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियम, संयम और विधि पूर्वक करने वाले भक्त की मुश्किलों को पल भर में हर लेते हैं भगवान श्री हरि। इसकी महिमा का वर्णन भीष्म पितामह ने किया है। जब भीष्म पितामह वाणों की सैया पर
लेटे हुए थे और अच्छे समय का इंतजार कर रहे थे नारायण के धाम में जाने के लिए। तब युधिष्ठिर ने पूछा कि कोई ऐसा स्त्रोत, कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा विधि विधान जिससे हम नारायण की प्राप्ति कर सकते हैं, नारायण की सदकृपा प्राप्त कर सकते हैं। तब भीष्म पितामह ने कहा कि विष्णु सहस्त्र नाम का यदि कोई व्यक्ति पाठ करता है, स्मरण करता है, याद कर उसको भगवान नारायण के नामों को जपता है, भगवान नारायण को याद करता है, किसके माध्यम से? विष्णु सहस्त्र नाम के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर भव सागर से पार हो करके सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करता हुआ सदगति को प्राप्त करता है, विष्णु लोक को प्राप्त करता है। कामना पूरी करेंगे विष्णु भगवान, मिलेगी हरि कृपा, होगा सर्व कल्याण। मानव जीवन से जुड़े सुख दुख का चक्र श्री हरि के हाथ में है। विष्णु सहस्त्र नाम के परम शक्तिशाली श्लोक आपके जीवन की हर बाधा, हर विपदा को दूर कर देंगे। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान श्री हरि के नामों की अद्भुत शक्ति है। जानकारों की माने तो विष्णु सहस्त्र नाम का खास ग्रहों से भी संबंध है और इसके पाठ से संबंधित ग्रह भी शुभ परिणाम देने लगते हैं। आगे हम आपको बताएंगे विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ की उत्तम विधि, साथ ही ये भी बताएंगे कि किन परिस्थितियों में आवश्यक है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। श्री हरि की कृपा पाने का सबसे आसान जरिया है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। अब सवाल यह है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कैसे करें और किन परिस्थितियों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे उत्तम श्री हरि का नाम। चमत्कारी है विष्णु सहस्त्र नाम। लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु की अद्भुत शक्तियों का समावेश है विष्णु सहस्त्र नाम में। माना जाता है कि विष्णु सहस्त्र नाम का विधि पूर्वक पाठ करने वाले भक्त की सभी मनोकामनाएं शीघ्रता से पूरी हो जाती हैं। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि श्री हरि की कृपा शीघ्र पाने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम सबसे कारगर और सटीक उपाय है। यह मंत्र अपने आप में अचूक है, यह स्त्रोत अपने आप में अचूक है, बेहद लाभकारी है, ऐश्वर्य कारक है, सुखदायक है, यश में वृद्धि कारक है, सामान्यता को विशेषता में बदलने की क्षमता वाला है, सफलता का द्योतक है, आरोग्यता प्रदान करने वाला है, सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करता हुआ व्यक्ति श्री धाम को, परम धाम को, विष्णु लोक को प्राप्त करता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कब करना चाहिए ये जानना भी बेहद जरूरी है, तो चलिए आपको बताते हैं। अगर कुंडली में बृहस्पति नीच राशि में हो या अत्यधिक कमजोर हो, जब कुंडली में बृहस्पति 6वें, 8वें या 12वें भाव से भ्रमण कर रहा हो, जब कुंडली में बृहस्पति के कारण पेट या लिवर की समस्या हो, जब संतान उत्पत्ति में या वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही हो, देवताओं के गुरु बृहस्पति से जुड़ी हर समस्या का समाधान कर सकता है विष्णु सहस्त्र नाम। ऐसे में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ विधि पूर्वक करना उपयोगी होता है कि सूर्योदय पूर्व जगह स्नान आदि से निवृत्त हो जाए और व्रत का संकल्प लें। आप पूजा स्थल पर बैठ जाएं, नारायण को स्नान कराएं, नारायण का पूजन करें, नारायण को भोग लगा दें, उसके बाद धूप दीप दिखा करके और जो भी मौसमी फल है उसको पंजीरी बना लें, तुलसी पत्र उसमें डाल दें, भगवान नारायण का स्मरण करें और मन से कहें कि हे भगवान नारायण, हे प्रभु, हे भगवान विष्णु, हम आपके समक्ष इस मंत्र का जप करेंगे और आपकी कृपा प्राप्ति के लिए यह मंत्र स्त्रोत का पाठ हम करने जा रहे हैं और आप ही इसको पूर्ण करेंगे।
तो अब आपको बताते हैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने की सबसे उत्तम विधि क्या है। रोज सुबह इसका पाठ करें और पाठ के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें। पीले वस्त्र धारण करें, चने और गुड़ या पीली मिठाई का भोग लगाएं। बृहस्पतिवार शाम को नमक का सेवन ना करें। जितने भी दिन विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें, सात्विक वैष्णव भोजन ग्रहण करें। अगर संस्कृत भाषा में पाठ कठिन हो तो हिंदी में भी भगवान के नामों का जाप किया जा सकता है। विष्णु सहस्र नाम श्री हरि के भक्ति रस में डूब जाने के लिए सबसे कारगर और उपयोगी उपाय है। ज्योतिषी मानते हैं कि विष्णु सहस्र नाम का पाठ नियम, संयम और विधि पूर्वक करने वाले भक्त की मुश्किलों को पल भर में हर लेते हैं भगवान श्री हरि। तो हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के महा उपाय। इस दिन पीले वस्त्र जरूर पहने। पीले वस्त्र पहन करके पाठ करने से शुभता में वृद्धि होती है। विधिवत पूजा करके पीली मिठाई अर्पित करें, पीला पुष्प अर्पित करें, यज्ञोपवीत अर्पित करें, मिष्ठान अर्पित करें, केले का भोग लगाएं और पंजीरी बनाए हैं उसका भी भोग लगा दें। पाठ करते वक्त ध्यान ही रखना है कि भगवान नारायण का ही स्मरण करना है। उसके बाद विष्णु सहस्र नाम स्रोत पुस्तिका सम्मुख रखना है और उसका भी पूजन करिए। भगवान विष्णु का आह्वान करें, भगवान विष्णु को स्नान कराएं। पहले जल से स्नान, फिर पंचामृत से और फिर जल से स्नान कराएं। भगवान को वस्त्र पहनाएं, फिर आभूषण और जनेऊ। फूलों की माला पहनाएं, सुगंधित इत्र अर्पित करें, तिलक करें। तिलक के लिए अष्टगंध का प्रयोग करें, धूप दीप अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल विशेष प्रिय है, उन्हें तुलसी दल अर्पित करें। भगवान विष्णु के पूजन में चावल का प्रयोग ना करें। घी या तेल का दीपक जलाएं और आरती करें, फिर परिक्रमा करें और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। तो अब देर किस बात की है, नारायण की कृपा पाने के लिए सच्चे मन से करें विष्णु सहस्र नाम का पाठ। फिर देखिए एक अमोघ कवच की तरह कैसे आपकी रक्षा करते हैं नारायण। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे हम आपको बताएंगे नारायण की पूजा के कुछ खास नियम और मंत्र। तो परम कल्याणकारी है विष्णु सहस्र नाम। हम बात कर रहे हैं विष्णु सहस्र नाम की महिमा के बारे में। विष्णु सहस्र नाम के पाठ को जितना कल्याणकारी माना गया है उतना कल्याणकारी कुछ नहीं, क्योंकि इसमें समाहित है श्री हरि नारायण का नाम। जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु, जिन्होंने जब जब धरती पर पाप का प्रभाव बढ़ा तब तब धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया, श्री हरि को इसीलिए जगत का पालनहार कहा जाता है। भगवान विष्णु की पूजा सदा ही फलदायी है। जिसे नारायण की कृपा मिल जाए भला उसे किस बात की चिंता। लेकिन अगर आपके लिए भगवान विष्णु के मंत्र जाप कठिन हो तो किस मंत्र के जाप से बृहस्पति की कृपा मिल सकती है, आइए आपको बताते हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुण ध्वज, मंगलम पुनरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। पीले वस्त्र धारण करके विष्णु सहस्र नाम का नियमित पाठ करते हैं तो जन्म कुंडली में 6-8-12 में भी विद्यमान बृहस्पति अपना शुभ प्रभाव देने लगते हैं, बुध अपना शुभ प्रभाव देने लगते हैं। भगवान विष्णु की आराधना करने से, विष्णु सहस्र नाम का पाठ करने से शुक्र और शनि भी मजबूत होते हैं। तो उनके ही अवतार हैं भगवान कृष्ण, किसके, नारायण के। तो नारायण की उपासना करने से शनि भी ठीक होंगे, राहु भी ठीक होंगे, शुक्र की स्थिति मजबूत होगी, बृहस्पति तो ठीक होंगे ही होंगे, बुध की स्थिति बहुत मजबूत होती है।
तो इस तरह विधि विधान से करें भगवान नारायण का पूजन। सच्चे मन से कीजिए श्री हरि का ध्यान, आपके सभी दुखों को दूर कर देंगे कृपा निधान। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।